नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फूल अधिकतर भगवान को अर्पित किए जाते हैं और कुछ खास फूल होते हैं जो कि कई प्रकार की प्रजातियों में खिले जाते हैं। और जो फूल भगवान को प्रिय होते हैं वो फूल खासकर कमल के रूप में हमें नजर आते हैं, जैसे ब्रह्म कमल, नील कमल, कृष्ण कमल इत्यादि। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो कमल के फूल प्रिय हैं। नील कमल हो, ब्रह्म कमल हो या फिर कृष्ण कमल, बहुत कम लोग होते हैं जिनके घर ये फूल खिलते हैं और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर ये फूल खिलते हैं। आज हम आपको इन फूलों के चमत्कार के रूप में बताते हैं और उनके क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी अपने घर में इन वृक्षों को लगाना चाहते हैं, इन फूलों को लगाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जरूर आपके घर में धन की कमी पूरी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और भगवान को अति प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण को कृष्ण कमल प्रिय होता है, भगवान विष्णु को नील कमल प्रिय होता है और भगवान शिव को ब्रह्म कमल प्रिय होता है। कमल का फूल लक्ष्मी माता को भी प्रिय होता है। नील कमल, गुलाबी कलर का कमल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है और कमल के फूल से लक्ष्मी माता को खुश और प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को भी कमल के फूल में विराजमान होते हुए दिखाया गया है। आपने अधिकतर भगवान की तस्वीरों में उनके हाथों में कमल के फूल देखे होंगे। कई भगवान कमल के पुष्प पर विराजमान हुए देखे होंगे। कमल के फूल का उपयोग करके धन को आकर्षित किया जा सकता है, यह आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। दीपावली के समय, पुष्य नक्षत्र के समय ऐसे कुछ योग होते हैं जिनमें हम कमल के फूलों का भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान हमें अपार धन तकलीफों से मुक्ति दिलाते हैं, अपार धन की प्राप्ति देते हैं, हमारे लिए धन के रास्ते खोल देते हैं। अगर कमल के फूल से आप धन को आकर्षण करने के लिए एक छोटा सा उपाय करते हैं तो वाकई में आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन को आकर्षित करने के लिए यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके आप साफ कपड़े पहन लें और घर में कमल का फूल ले आए। यदि आपके घर में कमल का फूल लगा हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। नहीं लगा हो तो एक सुबह सुबह ताजा पुष्प लेकर के आए और कमल का फूल नीला या फिर गुलाबी कलर का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसे खरीदा भी जा सकता है, घर से तोड़ा भी जा सकता है। भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का नाम लेकर के इस फूल को अपने हाथों में रखें, फिर लाल रंग के एक नए कपड़े में उस कमल के फूल को लपेट लें और किसी भी भगवान के मंदिर चले जाए जहां पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है। आप चाहें तो राम भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि वे भी माता लक्ष्मी और साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। फिर उस फूल को भगवान के चरणों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का नाम लेकर अर्पित करें, मन में मनोकामना करें, लाल सिंदूर उस पर अर्पित करें, अक्षत के कुछ जाने अर्पित करें और उस पुष्प को अपने हाथों में रखकर भगवान को चरणों में अर्पण कर दें। उसके बाद उस फूल को लौटते समय वापस उठा लाएं और अपने गले में, तिजोरी में या फिर किसी भी जगह, ऐसी जगह जहां पर आप दुकान ऑफिस में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बरसती रहेगी और आपके घर में धन आता ही रहेगा। कभी भी वह अच्छे काम में ही खर्च होगा और जितना खर्च होगा उतना ही ज्यादा, चौगुना ज्यादा धन आता रहेगा। अगला फूल है कृष्ण कमल। कृष्ण कमल का फूल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या के साथ दूसरी किसी समस्या, धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है सबसे खूबसूरत फूल जो कि है कृष्ण कमल, जिसे आपने नीले रंग में देखा होगा। नीले पर्पल रंग में ही यह दिखाई देता है, पर्पल कलर का या नीले कलर का यह फूल होता है और बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बेल नुमा इसकी झाड़ियां होती हैं और यह
बहुत ही सुंदर होता है देखने में। कृष्ण कमल को दुनिया में सबसे सुंदर फूल में एक नाम माना गया है और इसे अंग्रेजी में पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग इसे जुनून फूल के नाम से भी जानते हैं। यह फूल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित है। इसे भगवान श्री कृष्ण को माला बनाकर भी अर्पित किया जाता है और वैसे भी अर्पित किया जाता है। महाभारत काल से बहुत ही समय पूर्व से यह फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जा रहा है। इसकी बाहरी पंखुड़ियां बैंगनी लाल रंग की होती हैं और सफेद रंग के इसके बीच में अंकुरण होते हैं। बहुत ही सुंदर यह फूल होता है। इसके ऊपर 5 काली कलियां होती हैं जो कि बहुत ही देखने में सुंदर और खूबसूरत पाई जाती हैं। इसके अलावा इसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जैसे राम स्वरूप विष्णु स्वरूप सभी भगवानों को अर्पित भी किया जाता है। आप लोग अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं तो इस फूल को अपने घर में जरूर लगाएं। इसका वृक्ष अपने घर में पूर्व दिशा की ओर लगाएं, बाहर की ओर लगाएं, घर के आप अपने मुख्य द्वार के बाहर इसे लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में भी और यह आपके घर में वास्तु दोष को भी दूर करता है, घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। यदि इसके फूल आपको मिल जाते हैं तो आप उन्हें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करें, जिससे कि आपके सभी दुखों को दूर कर सके भगवान और आपके जीवन में खुशहाली ला सके, घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। इसे आप एक मंत्र बोलकर लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 51 बार बोलें और इसे लाल कपड़े में बांध कर अपने घर में पूजा स्थल पर या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, आपके घर में स्थिति जितनी भी खराब होगी सुधरती चली जाएगी, कोई भी दोष आपके घर में नहीं रहेगा और आपके घर में कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र बाधा नहीं आ सकती अगर यह फूल आपके घर में है। तो यह है विष्णु भगवान और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कृष्ण कमल। यह कमल का फूल, इसे कमल नाम ही दिया गया है, इसीलिए हमने आज सारे कमलों के फूलों के बारे में आपको वर्णन किया है। एक बहुत ही सुंदर और सबसे अद्भुत चमत्कारी फूल है जिसे हम कहते हैं ब्रह्म कमल। यह ब्रह्म कमल बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है और बहुत ही कम घरों में इसे पाया गया है। कमल के पुष्प अनेक तरह के होते हैं, मिट्टी में भी खिलते हैं, कीचड़ में भी खिलते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा फूल है जो गमले में भी लगाया जा सकता है और मिट्टी में कम पानी की वजह से भी यह खिल जाता है और यह फूल बहुत ही आकर्षक होता है। इसे आप बहुत कम देखते हैं क्योंकि यह फूल किस्मत वालों के घर ही खिलता है। 11 साल के बाद यह फूल किसी के घर खिलता है और यह वृक्ष आप अपने घर में गमले में भी लगा कर रख सकते हैं। यह तो उत्तराखंड यानी हिमालय पर ही खिलता है लेकिन आजकल आप इसे नर्सरी से ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। यह फूल रात्रि के 12 बजे खिलता है और एक फूल 5 की संख्या में खिलता है, 1 की संख्या में खिलता है, 11, 21, 51 ऐसे खिलते हैं। और यह फूल की खास बात यह होती है कि यह भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसे ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। यदि एक फूल आपको मिल जाता है, आपके घर में भी खिलता है तो बहुत ही किस्मत वाले हैं आप। अगर नहीं खिलता है तो कहीं ये मिल जाए आपको तो आप इसे भगवान शिव पर रात्रि के 12 बजे अर्पित करें। रात्रि 12 बजे ही यह फूल खिलता है और बंद होते होते सुबह के 4 बजे तक यह फूल अपने आप बंद भी हो जाता है और मुरझा जाता है। इसकी यही खासियत है कि यह फूल एक चमत्कारी फूल है। यह रात्रि के 12 बजे खिलता है और इसमें अजीब सी रोशनी अपने आप ही प्रकट होती है। अंधेरे में भी आप इस फूल को रखेंगे तो इसमें अपने आप ही रोशनी आ जाएगी। यह फूल ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है और यह फूल सफेद रंग का होता है। बहुत ही आकर्षक फूल है, चमत्कारिक फूल के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भगवान श्री विष्णु ने 108 फूल शिव जी को भगवान श्री शंकर को देकर के सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। ये वही ब्रह्म कमल है जिसे 108 की संख्या में भगवान श्री विष्णु ने शिव जी को अर्पित किए थे और
उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था, दे दिया था, जिससे कि भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए थे। तो आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्रह्म कमल का फूल आप भगवान शिव पर जरूर अर्पित करें। कहीं से आपको यह वृक्ष मिल जाता है, इसकी एक पत्ती से भी आप इस वृक्ष को लगा सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास है, हम आपको पहुंचा सकते हैं। आप इस वृक्ष को अपने घर में लगाइए और ध्यान पूर्वक लगाइए, क्योंकि यह एक पूजनीय वृक्ष है, पूजनीय फूल है। तो इसे जहां भी लगाते हैं पूरी दिशा का स्पर्श करके लगाइएगा, पूर्व दिशा में लगाइएगा, ईशान कोण में लगाइएगा, और इसे तुलसी के बाजू में भी लगा सकते हैं। जहां पर आंगन में घर में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, इसे निरंतर धूप दीप दिखा करके इस वृक्ष की पूजा भी की जाती है। तो आप इस वृक्ष की पूजा करें और आपको यह अपने परिणाम तुरंत ही देने लगेगा। आप पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धन को आकर्षित करने वाला यह वृक्ष है, घर में सुख शांति वैभव लाने वाला यह ब्रह्म कमल का फूल है, वृक्ष है। आप लोग को और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। कोई कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी श्री।